गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आपकी जो क्वेरीज आ रही हैं, आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आप उन सबका एक बार में ही निराकरण कर देता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हूं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उसकी वेबसाइट पे, और तो यहां आपको मिलेगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पेज। तो मैंने, मेरा एक सब्सक्राइबर हैं, उनके निजता का मैं ध्यान रखूँगा, उनकी जो पर्सनल डिटेल है वो मैंने मंगाई, जिससे आपको थोड़ा सा मैं ट्यूटोरियल दे सकूं, आपको जानकारी दे सकूं। तो इस लॉगिन पेज पे जाएंगे हम, तो हमने जो आपके जो जो पेज लॉक हो चुका है, आपका आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो लॉक हो गया है, आपने भर दिए हैं अपनी सारी जानकारी, अब आप जो चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे को एंटर यूजर नेम की जगह मेरे को जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भरना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मेरे को पासवर्ड भरना है, और फिर मेरे को यहाँ पर ये कैप्चा है वो डाल देना है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने कैप्चा भर दिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भर दिया, और क्लिक करता हूँ मैं लॉग इन के लिए, क्लिक टू लॉग इन। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन करते ही पेज, ये मेरे सही डिटेल डालते ही पेज खुल गया है। वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एप्लीकेंट्स की बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो ये बेसिक डिटेल मैं आपसे थोड़ा सा निजता का ध्यान रखूँगा, जिस कैंडिडेट का मेरे पास ये नंबर वगैरह है, नाम वगैरह है, यहाँ मैंने नाम वगैरह आगे स्किप कर दिए हैं, आपको नहीं दिखा रहे। और यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट हुज पासिंग ईयर इज 2021, उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका जो पासिंग ईयर है वो इसी साल का है, जो ट्वेल्थ का एग्जाम देंगे या उनका रिजल्ट वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि CBSE ने, बहुत से स्टेट बोर्ड्स ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दी है ना, तो उनको जीरो फिल करना है। और जो ग्रेजुएशन करेंगे उनको अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो उनको भी जीरो फिल करना है। अब हम ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है, ये कैंडिडेट का नाम हो गया है, डेट ऑफ बर्थ हो गई है, जेंडर हो गया है, नेशनलिटी वगैरह इसमें आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें, ये नेशनलिटी हो गई, डोमिसाइल, कैटेगरी जनरल हो गई। अब आप चाहें कि इसमें मैं चेंज कर लूँ, तो आप ये उसमें चल रहा है सीधा, आप यहाँ क्लिक करेंगे, करके देख लीजिए आप। मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, यानी यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते आप यहाँ। तो फिर क्या करें, आगे चलते हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। रिलीजन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, सीकिंग एडमिशन फॉर्म नो, आप कर्नाटक हैदराबाद से हैं, नो, आप इसमें अब यस नहीं कर सकते। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है, नॉट कैंडिडेट अपीयर्ड इन 2021 क्वालिफाइंग ईयर कैन फिल जीरो, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और जो क्वालिफाइंग डेट है एग्जाम, इट इज कंपल्सरी टू अपडेट द क्वालिफाइंग मार्क्स बिफोर लास्ट डेट, लास्ट डेट से पहले आपको क्वालिफाइंग मार्क्स अपडेट करने हैं, जो लास्ट डेट दी हुई है। तो देखो फ्रेंड्स, ये लास्ट डेट आगे खिसकती रहती है, आप चिंता मत करो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार राजस्थान में RI अजमेर ने तो मार्च तक का टाइम दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलो, मैं तो कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको भी सुविधा होगी, यूट्यूब पे जो क्वेश्चन पूछे हैं मेरे से, और टेलीग्राम चैनल पर भी, तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। विराज हालदार पूछते हैं, सर मैंने गलती से लॉक कर दिया, उसमें मार्क्स फिल नहीं किए थे, अब क्या करें, उसे कैसे डिलीट करें। स्वरा कुमारी पूछते हैं, सर फॉर्म लॉक कर देने के बाद मार्कशीट आने पर मार्क्स कैसे अपलोड करेंगे। ये मैंने बता दिया स्वरा कुमारी जी कि आपको RI अपडेट, ये मार्क्स अपडेट करने का मौका देगी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप इसको अनलॉक अपने आप हो जाएगा और आप इसको अपडेट कर सकेंगे। PP कहते पेमेंट नहीं हो रहा, तो पेमेंट हो जाएगा आपका, चिंता मत करो, लेकिन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का प्रयोग करो, फ़ोनपे एंड ये फ़ोनपे का इस्तेमाल नहीं करें, और ये भीम UPI का भी इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है,
फोनपे का इस्तेमाल नहीं करें, पेटीएम का भी नहीं करें। पेटीएम और ये आपका फोनपे है, तो इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। और आगे चलेंगे अपन, तो हमें विराज हालदार को बता देता हूँ कि एडिट करने के लिए आपको मार्क्स फिल नहीं किए हैं, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप है आरआई को ईमेल करें। वैसे तो आपने मार्क्स फिल नहीं किए तो आपका वैसे तो लॉक होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मार्क्स सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद ही लॉक होता है। और बिंदु पूछ रही है, सर वी कैन लॉक द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट गिविंग एक्चुअल स्कोर। देखिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो एक्चुअल स्कोर दिए बिना आप 0-0 डाल के आप उसको लॉक कर सकती हैं। एरिना वुल्फ, सर व्हाट शुड आई डू इफ आई वांट टू चेंज माय बेसिक डिटेल्स। कुछ नहीं कर सकते आप, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे अप्लाई इंस्टीट्यूट डिटेल है, यहाँ पे किसके लिए अप्लाई किया है, बीएड साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप, ये देख लीजिए सारे। और यहाँ सेंटर है 3, और लास्ट में देख लीजिए एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉक, और इसमें आप कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। अगर आरआईई चाहे तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं, वहाँ आप ईमेल मेल कर दीजिए। और ये ऐसे ही प्रश्न सबके मानसी महापात्रा करे, सर लॉग इन के बाद मेरा डिटेल शो नहीं किया है। आप भी आरआईई को ईमेल कीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और कुमार गौरव, मैंने सिटी का नाम फिल किया, उसके बाद लॉक किया तो सिटी की जगह 0 आ गया। तो कुमार गौरव जी, आप चिंता मत करो, वैसे आपने सिटी का पिन कोड नंबर तो भर ही दिया है, फिर भी आप मेल कर दीजिए। आयुष भी कह रहे हैं चेंज करना है, और तो आयुष आपको भी आरआईई को मेल करना है, ठीक है? तो आप जो हेल्पलाइन पे जो ईमेल आईडी देखेंगे वहाँ आपका मिल जाएगा। सिटीज कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं, जनरल टू ओबीसी। और शर्मिला फी पेमेंट फेल्ड बता रहा है, तो शर्मिला जी हो जाएगा, मैंने आपको बताया उस तरीके से कीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से हो जाएगा। तो ये आप लोगों के जो क्वारीज थी उनके उत्तर मैंने दे दिए। अब मैं बताता हूँ, मैंने लैपटॉप से भी ट्राई किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं मोबाइल से हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, लैपटॉप से हो रहा, तो मैं आपको लैपटॉप से भी, ये देखिए मैंने लैपटॉप से भी ट्राई किया था। यहाँ आप इसका एरो देख रहे हैं, है ना? आगे चलें तो दूसरा दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने ट्राई फिर से की थी, तो यहाँ लैपटॉप पे एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉक्ड ऐसा लिखा हुआ आ गया था, ये देख रहे हैं। और देखना हो तो ये देखो, मैंने ये एरो इसके ऊपर ले आया था, जयपुर की सेंटर चेंज होता है कि नहीं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटर चेंज नहीं हुआ, ये आ गया। तो ये कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है, ऑलरेडी लॉक बता रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, मैंने ये ट्राई की, ये देख लीजिए, वीडियो के माध्यम से भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने लैपटॉप पे ट्राई की थी लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लॉक होने के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये जब ये लिखा आ गया कि एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉक्ड, तो आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आरआई को ईमेल करना पड़ेगा, और जो जो आपके जो मार्क्स अपडेट करने के टाइम आपकी एक बार एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन जो अनलॉक हो जाएगी, तब आप इसमें अपने मार्क्स अपडेट कर सकेंगे। और आप ये वीडियो ध्यान से देख लिया होगा आपने, और भी कोई प्रश्न हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तैयारी अच्छे से हो सके। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। रीजनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए रीजनिंग के वीडियो हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो हैं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में हैं, रीजनिंग के भी इंग्लिश और हिंदी में हैं, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के वीडियो भी हैं। मोर देन 100 वीडियोज आपको इससे संबंधित मिलेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते करते रहिए। थैंक यू, अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।